इस आइलैंड को देखकर ऐसा लगता नहीं है, लेकिन ये वर्ल्ड का सबसे डेंजरस आइलैंड है। पहली बार में ये अंडमान और निकोबार का एक छोटा सा आइलैंड लगता है जो कि बे ऑफ बंगाल में है, लेकिन इसका ये एक ऐसा अजीब सा शेप क्यों है? और ये आइलैंड अपने अंदर क्या सीक्रेट छुपा के बैठा है जो सबसे डेंजरस कहलाता है? हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? स्वागत है आपका अपने चैनल फैक्टोन में। दोस्तों, अगर आप अभी इस चैनल में नए हैं तो फटाफट से सब्सक्राइब बटन दबा दीजिए। तो दोस्तों, इस आइलैंड का नाम है नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड। इसका एरिया सिर्फ और सिर्फ 59 स्क्वायर किलोमीटर है, जो कि ज़्यादातर जंगल से ही भरा हुआ है, और इसके चारों तरफ सैंड बीच है। इसके नीचे बहुत ही सुंदर कोरल रीफ है और गहरा नीला पानी है जिसके अंदर सारे के सारे फिशेस रहते हैं। लेकिन इसको जो चीज़ अलग बनाती है वो है इसके अंदर रहने वाले लोग, जिनके बारे में हम इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं। तो दोस्तों, अगर आपने अभी तक अपने चैनल फैक्टोन को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो फटाफट से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट में फटाफट बताइए कि आप यहाँ पे जाना चाहेंगे या नहीं। नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड के लोगों को द अनटच्ड ट्राइब भी कहा जाता है, जो कि यहाँ पर बिना कपड़ों के सिर्फ और सिर्फ कुछ धागे और पत्ते पहनकर घूमते हैं। इस जगह के ओरिजिन ट्राइब को सेंटिनलीज कहा जाता है, जो कि बाकी की पूरी दुनिया से लगभग पिछले 60,000 सालों से बिल्कुल अलग है। एक डॉक्यूमेंट्री के अकॉर्डिंग इन्हें पहले फर्स्ट ह्यूमंस के डायरेक्ट डिसेंडेंट माना जाता है, जो कि अफ्रीका से निकले थे। और तो और, इन्हें अलग से ही रहने की आदत हो गई है। इनको अलग रहते हुए इतना ज़्यादा टाइम हो गया है कि जो लैंग्वेज ये बोलते हैं उसे बाकी की दुनिया भुला चुकी है। इनको लेकर के एक और बात है कि इनका एक्सट्रीम आइसोलेशन इन्हें बाकी की दुनिया की किसी भी छोटी से छोटी बीमारी से बहुत ज़्यादा असर कर देती है। इन पर उस बीमारी के लिए कोई भी इम्यूनिटी नहीं है जो कि आजकल नई बनी है, और गलती से भी अगर ये किसी बीमारी के टच में भी आ जाएं तो ये बहुत ज़्यादा बीमार पड़ सकते हैं और तो और मर भी सकते हैं। वैसे तो मॉडर्न सिविलाइजेशन लगभग 60 किलोमीटर दूर ही है सिर्फ पोर्ट ब्लेयर में, लेकिन सेंटिनलीस मॉडर्न टाइम से इतना ज़्यादा पिछड़े हुए हैं कि इन्हें अभी तक आग जलाना भी नहीं आता। इन्हें आग सिर्फ तभी मिलती है जब वो अपने आप लग जाए, जैसे कि किसी लाइटनिंग स्ट्राइक के थ्रू लग जाए। और तो और, इन लोगों को एग्रीकल्चर भी नहीं पता। ये सिर्फ ज़मीन और समुद्र पे हंटिंग और फिशिंग के भरोसे ही रहते हैं, और नारियल पे तो इनका बहुत ज़्यादा लगाव है जो कि समुद्र से बहकर यहाँ पर कभी कभी आ जाते हैं। सेंटिनलीज बहुत सारे टूल्स का यूज़ करते हैं, जैसे कि हारपून, फ्लैट बोज और एरोस, जो कि सिर्फ हंटिंग के काम नहीं आती बल्कि इनकी एक्सट्रीम आइसोलेशन को भी बचाती है। अपनी मर्जी से आइसोलेशन में रहना और वायलेंस के थ्रू लोगों को भगाने की इनकी हिस्ट्री बहुत ज़्यादा लंबी है। कई सालों से जो लोग इस आइलैंड के करीब भी पहुंच जाए या गलती से भी यहाँ चले जाए तो उस पर ये लोग अटैक कर देते हैं, चाहे वो कोई भी हो। जैसे कि 1896 में एक बहुत ज़्यादा अनलकी प्रिजनर पोर्ट ब्लेयर के प्रिजन से भागा था और यहाँ पर फंस गया सिर्फ और सिर्फ इन लोगों के हाथों के मरने के लिए। ब्रिटिश पार्टी ने उसकी बॉडी तो रिकवर करी, लेकिन उसकी बॉडी पे बहुत सारे छेद थे जो कि एरोज के थे और उसका गला भी कटा हुआ था। 1974 में नेट जियो अपनी टीम के साथ यहाँ की डॉक्यूमेंट्री करने आया, लेकिन उनका स्वागत वहाँ की स्पेशल तीरों की बौछार से करा गया, जिसमें इसे एक तीर डायरेक्ट की सीधा लेफ्ट थाई में लगा। 1981 में एमटीवी प्रिमरोज के क्रू मेंबर्स पे भी अटैक हो गया था जब इनकी शिप कोरल रीफ पे अटक गई थी। उन्होंने एक्स, फ्लेयर गन और पाइप जैसी चीज़ों का यूज़ करना पड़ा था ताकि वो सर्वाइव कर सके, और जब तक उनको वहाँ से रेस्क्यू करने के लिए उनकी टीम नहीं आ गई। सेंटिनलीज का आज तक का इकलौता फ्रेंडली इंकाउंटर 1991 जनवरी में हुआ था, जब कुछ इंडियन एक्सपेडिटर्स यहाँ पर आए थे। उन्होंने सेंटिनलीज के लिए बहुत सारे गिफ्ट ओशन में फेंक दिए, जिसको ट्राइब्स ने बहुत पसंद करा और कई लोगों से उन्होंने मिला भी और इंटरेक्ट भी करा, और जिसकी वीडियो भी बनी हुई है। लेकिन ये फ्रेंडली इंकाउंटर सिर्फ एक बार की ही कहानी थी, उसके बाद के स्वागत उनके स्पेशल तीरों की बौछार से ही हुई है। लास्ट इंकाउंटर 2006 में हुआ था जब दो फिशरमैन बहुत ज़्यादा करीब पहुंच गए इस आइलैंड के, तब सेंटिनलीज ने उनको मार भी दिया डुबा करके और उनकी एक शैलो ग्रेव बना दी। उन फिशरमैन की बॉडी रिकवर भी नहीं हो पाई थी, क्योंकि जब भी वहाँ पे उनको कोई रेस्क्यू करने जाता तो वहाँ पे उनकी स्पेशल तीरों की बौछार से उनको भागना पड़ता। बाकी अंडमान आइलैंड की तरह ही ये आइलैंड भी इंडियन ज्यूरिडिक्शन के अंडर ही आता है। इंडियन गवर्नमेंट ने हमेशा से ही इन्हें सब कुछ खुद करने का मौका दिया है, और गवर्नमेंट ने यहाँ पे बहुत कम या ना के बराबर ही कोई काम करती है। 1991 में गवर्नमेंट ने 3 माइल का एक्सक्लूजन जोन बना दिया इसके आसपास, ताकि यहाँ पर टूरिस्ट, पोचर्स ये सब ना पहुँच पाए। यहाँ की पॉपुलेशन जो कि सिर्फ 1500 से 500 तक ही एस्टिमेट करी जाती है, इन्हें नॉर्मल लोगों से भी बहुत ज़्यादा खतरा है, क्योंकि इनके पास इम्यूनिटी तो है नहीं। अगर इनको ज़रा सा भी एक वायरस लगा किसी को
तो ये बहुत जल्दी फैलेगा और हो सकता है इनकी पूरी की पूरी पॉपुलेशन ही वाइप आउट हो जाए। तो बताइए दोस्तों, कैसा लगा आपको ये आइलैंड? अगर आप यहाँ पे आइलैंड पे जाना चाहेंगे या नहीं, हमें कमेंट में बताइए। अगर जाना चाहेंगे तो क्यों जाना चाहेंगे, और नहीं जाना चाहेंगे तो क्यों नहीं जाना चाहेंगे। धन्यवाद।